बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज इस जयंती समारोह में उपस्थित मंच पर विराजमान सभी नेतागण एवं समक्ष बैठे हुए हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्तागण और सभी सम्मानित हमारे बुजुर्ग और युवा साथी, माताएं बहनें, सबको मेरा सादर जय भीम। साथियों, आज उस महापुरुष का जन्मदिवस मना रहे हैं जिस महान पुरुष ने इस देश के अंदर सबसे पहला गुरु माना भगवान गौतम बुद्ध को, जो कवड़ा के सागर थे। दूसरा गुरु संत कबीर साहब को माना और तीसरा गुरु छत्रपति ज्योतिबा फूले जी को माना। साथियों, तीनों महापुरुषों की विशेषता बता दूं मैं आपको। कवड़ा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जो करुणा के सागर थे, और संत कबीर साहब जिन्होंने पाखंड को दूर करने का पूरा जोर दिया कि इस देश के अंदर जो पाखंड है, धूर्तबाज है, प्रौढ़ है, उसके खिलाफ उन्होंने आह्वान छेड़ा। और ज्योतिबा फूले जी ने जो इस देश के अंदर सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया, और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले जी ने इस लाचार और अनशिक्षित लोगों को शिक्षा देने का काम किया। तो ऐसे महान शख्सियत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इस सोच की इनकी महान सोच थी, और विश्व में प्रथम स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विद्वानों में विद्वान थे। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं, समय कम है, माननीय प्रभारी का आदेश है कि भाई प्रभारी आगे भी कहीं जाना है। तो साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप अपना कल्याण चाहते हो तो साथियों, आप लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी का सिंबल हाथी के सामने वाला बटन दबा करके बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे और इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन करने का काम करेंगे। और साथियों, मैं एक शहर के माध्यम से बताऊंगा आप लोगों को, जो प्रकृति को बदल दे, जो प्रकृति को बदल दे उसे कुदरत कहते हैं, और जो संविधान को बदल दे उन्हें बाबा साहब भी महान कहते हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।